अस्सलाम वालेकुम मसीहा तुझे सलाम के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदी आज हमारे साथ हैं हमारे एक मसीहा सोसाइटी के प्रोफेसर सलीमुल्ल् साहब सर फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम वालेकुम सलाम जी थैंक यू सो मच आपने हमें वक्त दिया नहीं जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया सर सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए मैं चाहता हूँ अगर हम आपका तारुफ करा सकें आपका स्पेशलाइजेशन आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा नाम सलीमुल्लाह है जैसे आपने बताया मैं बेसिकली अब्बास शहीद हॉस्पिटल और कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ वहाँ पे मैं प्रोफेसर था मेडिसिन के डिपार्टमेंट में और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन रहा हूँ आई स्टार्टड वर्किंग एट शहीद इन 1995 और मैं अभी रिसेंटली 2019 में इनफैक्ट और आज कल एज ए कंसल्टन फिजिशन काम कर रहा हूँ इमाम क्लिनिक में नौ नजर मैं बेसिकली एक इंटरनिस्ट हूँ इंटरनिस्ट का मतलब होता है कि जनरल फिजिशियन बेसिकली हूँ लेकिन मेरा स्पेशल इंटरेस्ट रेस्परेटरी फील्ड में है मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ मेरी बेसिक ट्रेनिंग जो है वो एज अ चेस्ट स्पेशलिस्ट हुई है अच्छा मेरी इब्ताई तलीम जो है अगर आप वह, अगर वहाँ से शुरू करूँ तो मैं शुरू में मैंने अपनी प्राइमरी जो है एक खारादर के इलाके में एक स्कूल था टाइनी टॉट्स के नाम से वहाँ से मैंने पहली पांच जमातें वहाँ से पढ़ी फिर उसके बाद मैं लिटिल फॉक्स सेकेंडरी स्कूल मुस्लिम आबाद में एक लिटिल फॉक्स की ब्रांच थी जो बिल्कुल औरिजिनल लिटिल फॉक्स वही था वहाँ से मैंने मैट्रिक किया 1975 में उसके बाद मैंने डीजे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से इंटर किया फिर मैं दाखिला डाउ दा, मेडिकल कॉलेज में हो गया और 1985 में मैंने डाउ मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया उसके बाद मैंने एक साल डाउ मेडिकल कॉलेज में हाउस जॉब की सिविल हॉस्पिटल में उसके बाद मैं कुछ अरसे के लिए शहीद हॉस्पिटल में एज ए ट्रेनिंग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट काम करता रहा फिर 1988 में मैं यूके चला गया था वहाँ पे मैंने मुख्तलफ जगहों पे मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग पोस्ट के ऊपर काम किया 1990 में मैंने वहाँ से एम किया और फिर 1995 में वापस पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान आने के बाद से मैं अब आजद हॉस्पिटल और कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज से मुनसलिक रहा सर आपके प्रोफेशनल प्रोफेनल तो माशा इंडस्ट्री में बट बात करेंगे सर आपके बचपन के बारे में सो वरी वह मिस्टीवियस चाइल्ड या फिर आप बहुत ओबीडियंट थे नहीं मैं कतन मिस्टीवियस नहीं था ए, एक तो मेरे वाले साहब अल्लाह उनकी मफरत फरमाए तो थोड़े से गुस्से के तेज थे और बहुत सख्त मिजाज थे और बहुत डिसप्लिन रखने के कायल थे अच्छा दूसरा ये था कि मेरी मैं फैमिली बेसिकली हम चार छः बहन भाई हैं मेरी चार बहन हैं मैं और एक मेरा छोटा भाई है तो हमारा चो, मेरा छोटा भाई जो है वो हम सबसे छोटा है तो चूँकि मेरी चार बहने थी तो ज़्यादातर कंट्रोल जो है वो मुझ पर एक्सरसाइज होता था तो आमतौर पर जो है मेरे पास मिस चीफ की गुंजाइश बहुत कम हुआ करती थी अच्छा सर डॉक्टरी का जो पेशा होता उसके लिए पढ़ाई लॉन्ग कोर्स आप बैरिस्टर भी बन सकते थे लॉयर बन सकते थे इंजीनियर बन सकते थे आपने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया डॉक्टर बनने का उसकी क्या वजह थी अच्छा कॉन्शियस डिसीजन नहीं है एक्चुअली uh, ये मेरे वाले साहब की को, को ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ मेरे वाले साहब का हमेशा से वो ये था कि उनकी वाल चाहती थी कि मेरे वाले साहब डॉक्टर बने और ऑबली वो नहीं बन सके उसके बाद उनकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ हालाँकि मेरा ज़ाती इंटरेस्ट जो है मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा था इनफैक्ट मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ जब मैंने मैट्रिक किया तो मेरे बायोलॉजी के मार्क्स जो है जस्ट पास वाले थे और मेरे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स और फिजिक्स के मार्क्स वो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट के करीब थे तो मेरे लिए बड़ी यानी मैं एडमिशन लेना चाह रहा था बायोलॉजी के अंदर और लोगों का ख्याल था कि मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा है और बायोलॉजी इतनी ख़राब है तो मुझे नहीं पढ़नी चाहिए बायोलॉजी लेकिन मेरे वाले साहब की जो ख्वाहिश थी तो मैंने मेडिसिन में दाखिला लिया लेकिन आई एम वेरी ग्लैड के यानी मेरे ए, जो है ना मैं राइट प्रोफेशन में आया मुझे अब एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट वेयर ग्लैड योर फादर मेड अ डिसीजन फॉर यू अच्छा सर आपके मुताबिक एक डॉक्टर्स की क्या ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है टू तो हिज पेशेंट्स सोसाइटी इन जनरल डॉक्टर एक हीलर है ठीक है और हीलर जो है अनफॉर्चुनेट है हमारे उसमें थोड़ा सा मैं इसमें मुझे वो होता है कि ये, लोग भी इसके लिए एक पेशे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या प्रोफेशन के लिए गफ्ज इस्तेमाल करते हैं नर्सिंग या डॉक्टर जो हीलर का वो आया वो एज सच कभी भी पेशा नहीं रहा वो एक जो है ना ख़िदमत रही है और मेरे ख़्याल में अभी भी इसके अंदर अगर सबसे बड़ा एलिमेंट मिसिंग है वो ये है कि आ, लोग अगर इसको एज अ खदमत तस्वुर करें और उसका जो आपकी इससे इनकम है या आपका रोज़गार इससे अगर मुनसलिक है तो उसको एज अ बाई प्रोडक्ट देखें तो वो शायद ज़्यादा बड़ा वो है डॉक्टर देखिए बुनियादी तौर पर मैंने जैसे कहा कि डॉक्टर हीलर होता है और हीलिंग सिर्फ ये नहीं है कि हीलिंग आपने किसी दवा से किसी की, की। आपके अल्फाज से किसी की सोल की हीलिंग होती है तो वो भी एक बहुत बड़ी हीलिंग होती है तो एक डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो एम्पथी रखता हो उसके पास जो है ना फीलिंग्स हो वो मरीज़ को जब तक के मरीज़ के दर्द को नहीं समझ सकता मरीज़ की तकलीफ़ को नहीं समझ सकता और उसके सोशल सरकमस्टेंसेस को नहीं समझ सकता तो एक अच्छा हीलर नहीं हो सकता मैंने कहा सिर्फ हील करना बीमारी को हील नहीं करना होता एज ए इंसान हील करना होता तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एलिमेंट है जो मेरे ख्याल में हर डॉक्टर इस इस तरह नहीं सोचता डेफिनेटली सर अभी अपने बात की आ, एमपेथी की हमने देखा है कि डॉक्टर्स की जो शिफ्ट्स होते हैं दे आर आवर्स लॉन्ग है कभी सर्जरीज हों सेट्र सट्र टेन फिफ्टीन एटीन तो जब आप मरीज़ से मिलते हैं इनके जाहिर सी बात है पेशेंट है नो टाइम no कभी भी आते हैं आते रहते हैं ख़ासतौर पर अब्बासी शहीद जैसे हॉस्पिटल में इतने हेक्टिक्स कैजुअल के बाद हाउ डू यू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड द करेज टू मीट अ न्यू पेशेंट विथ नथिंग इन द बैक ऑफ योर हेड एक्सेप्ट द पेशेंट इट सेल्फ उनको एक खुश अखलाक़ी से खुश मिजाजी से मिलने का वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है नहीं आई थिंक आपके मरीज़ जो है वो खुद आपकी स्ट्रेंथ होते हैं आपके मरीज़ जो है वो आपके एक होते हैं आप जब एक पिछले मरीज को देख रहे होते हैं और आपने देखा अगर वह आपको आगे कहता है हाँ जी डॉक्टर साहब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ तो वह एक ख़ुद ब खुद आपके लिए एक बहुत बड़ा स्टिमुलस होता है वो आपको एनर्जाइज करता है वो आपको आप खुद आपको रिलैक्स कर रहा होता है खुश कर रहा होता है हर चीज़ आपको तो अगर आपके रिजल्ट्स हैं आपके मरीज आपसे खुश हैं वो आके आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो वो आपको बजाय इसके कि आप अपने काम से थक रहे हो और मैं इस पर बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि ये प्रोफेशन फिर वही लफ्ज़ आ जाएगा लेकिन किसी भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं जब तक कि आप उसको इंजॉय करके काम कर रहे होते हैं ना तो कोई तरीका नहीं है कि आप उससे थक रहे हो आप थकते उस वक्त हैं जब आप उसको बोझ समझ के कर रहे होते हैं तो अगर आप अपने काम को इन्जॉय करके कर रहे होते हैं आप समझ रहे होते हैं कि आपकी एफर्ट्स जो हैं वो किसी की, के लिए, की मदद के लिए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको थका रही होती हैं वो एफर्ट्स हमेशा, हमेशा आपको और ज़्यादा एनर्जी दे रही होती हैं सर मैं बात करना चाहूँगा आपके रोल मॉडल का या फिर मैंट पर्सनल ज़िंदगी में प्रोफेशनल करियर में कोई ऐसा शख्स शख्सियत जिसने आपको इंस्पायर किया हो देखिए इंसान की ज़िंदगी में मेरे ख्याल में मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ़ रोल मॉडल होते हैं और आप हर हर लेवल के ऊपर सबसे कुछ सीख रहे होते हैं मेरे ख्याल में मेरा पहला रोल मॉडल मेरे वाले साहब थे मेरे वाले साहब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा इलम परस्त थे आ, उनका बहुत शौक़ था वो बावजूद इसके कि बहुत कम तालीम के वो उर्दू पश्तो फारसी पंजाबी इंग्लिश यानी मैं आपको खुद एक मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाऊँ और इंटर के ज़माने में मेरी ड्राफ्टिंग जो है से कहीं अच्छी ड्राफ्टिंग मेरे वाले साहब करते थे जिन्होंने तीन जमातें पढ़ी थी और मैं इंग्लिश मीडियम से इंटर कर चुका था तो अंग्रेज़ी बोल लेते थे अंग्रेजी लिख लेते थे फ़ारसी बोलते थे फारसी लिख लेते थे उर्दू पंज पश्तो पंजाबी ये सब जबान वो, वो बोल सकते थे और आ, टोटल उन्होंने तीन जमातें पढ़ी थी तो लेकिन अदब के बहुत शौकीन थे लिटरेचर पढ़ने के बहुत शौकीन थे मेरे घर में अभी भी उनकी जमा की हुई मेरे घर में हज़ारों किताबें हैं तो पहला रोल मॉडल तो मेरे मेरी लाइफ में मेरे वाल साहब थे मेरे स्कूल के जमाने में एक दो टीचर्स हैं एक बुखारी साहब हुआ करते थे हमारे Uh, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट uh, भी किया इंक्रेज भी किया एक और हमारे टीचर हुआ करते थे मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमें ग़ुलाम नबी साहब उन्होंने हमें मुझे बहुत इंस्पायर किया क्योंकि uh, मैं एक अच्छा स्टूडेंट था तो उनकी इंक्रेजमेंट जो है वो आपको चाहिए होती है तो वो फिर ऑबियसली आप अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंदर आ जाते हैं तो मेरे पहले प्रोफेशनल uh, मैंटोर जो थे वो एजाज साहब थे मैंने एजाज वरा साहब के साथ अब्बा शहीद में उनके पीजी के तौर पे काम किया उनके साथ मैं जाउदीन में भी काम कर, किया और मैं समझता हूँ कि मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर की ए बी सी बुनियाद जो है वोरा साहब से सीखी और न सिर्फ ये कि मैंने उनसे अपनी प्रोफेशनल कैरियर की बुनियाद सीखी मैंने इंसानियत की बहुत बुनियादी चीज़ें भी वोरा साहब से बहुत सीखी साहब बहुत आ, आ, सोशल वर्क करते थे पुअर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे मौका मिला तो मैंने भी इन ट्रेड्स को अपने अंदर जो है आ, नुमाया रखा और कोशिश करता रहा कि उनके जो अच्छे काम अब्बासी शहीद ने शुरू किए हुए थे उनको मज़ीद आगे ले जाया जा सके फिर मैं यू के में मुख्त जगहों पर काम कर किया और यू के में एक दो कंसल्टेंट हैं जिनका मेरे पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है जिनसे मैंने बहुत सीखा और उनके मेरा ख्याल में शायद आज जो मेरी एज ए फिजिशन जो मेरी आ, बहुत अच्छी अगर अप्रोच बनी है तो उनकी उनकी मदद से है। दो मेरे कंसल्टेंट्स उसमें बहुत नुमाया थे तो बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी आपको ज़िंदगी में आपके मरीज़ बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं आपके दोस्त अहबाब आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं तो ऐसा मैंने कहा आपके मुख्तफ अदवार में आपके मेन्टोर्स चेंज होते रहते हैं और एक आपको हर आदमी से अच्छी चीज़ें पिक करनी चाहिए वैसे नेवर स्टॉप लर्निंग भी सर ऑफकोर्स आपने हज़ारों पेशेंट्स देखे होंगे लेकिन कोई ऐसा वाक्य ऐसा कोई पेशेंट जिसके साथ इंटरेक्शन आपका आप ऐसा कुछ शेयर करना चाहते हैं स्टोरी जो आप कभी भूल नहीं सकते समथिंग दैट यू विल ऑलवेज रिमेंबर बहुत सारे बहुत सारे वैसे वाकते हैं बहुत सारे ऐसे वाक हैं मुझे प्रॉब्लली एक शायद जो Uh, सबसे ज़्यादा मुझे वो अभी भी याद रख है मैं मेरे ख्याल में निजाउद्दीन में रजिस्ट्रार काम कर रहा था ये मेरा ख्याल उन्नीस सौ छियासी की बात होगी उन्नीस सौ सतासी की बात होगी uh, एक यंग लड़का हमारे पास दाखिल हुआ उसकी उसको हाइपोकलीमिक पेराडिक पैरालिसिस एक बीमारी होती है जिसमें बॉडी में पोटेशियम बहुत कम हो जाता तो उसके साथ वो एडमिट हुआ आई सी यू में था कम्प्लीटली पैरलाइज उसको हम पोटेशियम दे रिप्लेस कर रहे थे मॉनिटर uh, लगा हुआ था और सडनली उसका हार्ट रेट बहुत स्लो होना शुरू हो गया और वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लो होते हो, होते थर्टीज़ में हार्ट रेट आ गया एट्रोपिन uh, वगैरह जो कि नॉर्मल चीज़ होती है उससे देने की कोशिश की कोई वो नहीं हुआ तो हमेशा हम एक मजाक होता था कि जी आई वी पोटेशियम स्ट्राइट लगाने से लोग मर जाते हैं तो कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने नर्स से कहा कि मुझे आई वी पोटेशियम दो मैं इसको स्ट्राइट पोटेशियम देता हूँ मैनी वे तो उसका मैंने आई वी स्लो बहुत स्लो आई वी पोटेशियम दिया एंड ग्रेजुअली उसका हार्ट बीट बीच बेहतर हार्डली मेरा खान में अट्ठाईस तीस साल कर और प्रॉब्बली वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट्स जो है जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई एक लाइफ को इतना तेजी से चेंज होते हुए देखते हुए वो प्रॉब्ली एक ऐसा वो है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट मु, भी किया इंस्पायर भी किया लेकिन आई थिंक वन ऑफ टाइम्स जो, जो बहुत आप फील करते हैं कि आप यू कंट्रीब्यूटेड समथिंग सर आपके जो डॉक्टर अगेन आप जैसे कहते हैं इट्स इट्स नॉट अ अ प्रोफेशन तो ये जो, जो डॉक्टर लाइफ स्टाइल है इसके बारे में एब्सोल्युटली लव एंड लाइक टू चेंज कुछ बदलना चाहते हैं इसके बारे में I मैं एक वैसे ही वर्क का हॉल एक मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है लेकिन आई थिंक आप मुझे सुबह से शाम तक और शाम से रात तक और रात से अगली सुबह तक मरीज़ दिखाते रहे और मैं आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट मी कि मैं सुबह पाँच बजे तक प्रैक्टिस करता रहा हूँ तो जो है अजानों के साथ साथ अक्सर वेचते हैं मेरी प्रैक्टिस ख़त्म होती थी लेकिन यह है कि आप मुझे काम करवाते रहे मैं आई डोंट थिंक कि आप मुझे थका हुआ देखेंगे किसी और मैं आई लव एवरी थिंग अबाउट माई पेशेंट्स मुझे एजुकेट करने में बहुत आई इन्जॉय एजुकेटिंग पीपल नॉट जस्ट अबाउट हेल्थ इश्यूज़ जस्ट जब भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इवन जनरल लाइफ के बारे में जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को अपने एटलीस्ट व्यूज़ जरूर सिखाने की कोशिश करूँ जरूरी नहीं है कि लोग मेरे व्यूज से एग्री करें लेकिन एक डिफरेंट परस्पेक्टिव से चीज़ों को देखने की आदत तो डाल डालने की कोशिश करनी चाहिए और uh, कोशिश होती है कि तुम तो मेरा ख्याल में लेकिन जो प्रॉब्लली पेशेंट केयर के अलावा जो चीज़ जिसको मैंने बहुत इन्जॉय किया अपनी लाइफ में वो स्टूडेंट टीचिंग है आई थिंक मैंटॉर्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी शख्स की डेवलपमेंट के अंदर और uh, मैं मैंने भी कोशिश की है कि एटलीस्ट अपने से जो लोग मेरे साथ ट्रेन हुए हैं उनके अंदर कोई ना कोई अच्छी खासियत डेवलप करो और मतलब आप कुछ बदलना नहीं चाहेंगे वाय तीन टाइम जो है ना वो आ, जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो पेशेंट्स की लैक ऑफ हेल्थ अवेयरनेस से होती है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली दो चीज़ें जो दो तीन चीज़ें बहुत तकलीफ दे होती हैं एक तो हेल्थ जो है ना कभी भी लोगों की प्रायरिटी नहीं है लोग इलाज मजबूरी के तहत करवाते हैं इलाज ज़रूरत के तहत इलाज को इसलिए नहीं करवाते कि वो अपने आप को अच्छा रखें बहुत लोगों को ये समझाने की को कोशिश करता हूँ कि जी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ ये नहीं कि आप तकलीफ़ में आ जाए उसके बाद उसका इलाज करें तकलीफ़ से बचना जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है तकलीफ़ पैदा करने के बाद उसको इलाज करना बेवगूफी काम है ये बिल्कुल इस तरह है कि एक मोटरसाइकिल वाला कर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए सर में चोट आ जाए उसके बाद वो हेलमेट खरीद रहो हेलमेट हमेशा पहले ख़रीदना चाहिए तो जब तक हमारे यहाँ लोगों के समझ में ये नहीं आएगा कि एहतियात कहीं ज़्यादा ज़रूरी है मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचने के लिए दूसरी चीज़ आई थिंक जो अनफॉर्चुनेट है वो लोग जो अभी कम अज़ कम हेल्थ इंजॉय कर रहे हैं उनके अंदर उस हेल्थ को मेंटेन करने की ख्वाहिश और आदत रिसेंट ईयरस के अंदर कुछ बेहतरी ज़रूर आई है लोग डाइट्स के मामले में थोड़े से ज़्यादा अवेयर होते चले जा रहे हैं लोग एक्सरसाइज के मामले में थोड़े से बेहतर होते चले जा रहे हैं लेकिन आई थिंक अभी भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉल है इस मामले में एंड आई थिंक जितना भी एफर्ट की जा सके लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस पैदा करने की और प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने में जो मुझे फेस करनी पड़ती है वो ये होती है कि आप परेशान होते हैं मरीज के लिए मरीज को खत्न कोई परेशानी नहीं होती एक यही चीज़ है।, है जिसके वो बदलने के लिए फॉर्मियों काम करती है ओके सर What is the proudest achievement of your uh, professional career? Who, I am I mean, not the right person to say <laughs> it. I think that I that are students hai, who are now uh, working as consultants in different hospitals, and I, when I see them growing and flourishing, और उनको अच्छा परफॉर्म करते हुए या कभी उनकी तारीफ सुनता हूँ तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ ये फील करते हुए सोचते हुए कि इनकी डेवलपमेंट में कहीं कही ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ किरदार शामिल है और उनको देख के एक तो बहुत प्राउड फील करता हूँ दूसरी आई थिंक जो मेरी प्राउडस्ट अचीवमेंट है जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि मैं सोशल uh, इंटरप्रिनरशिप बहुत ज़्यादा मुझे वो है हम नाइनटीन नाइन्टी Sixth में अब्बास शहीद हॉस्पिटल में अब्बास शहीद की उस जमाने के स्टूडेंट्स के साथ जो फाइनल के स्टूडेंट्स थे उनके साथ मिल के एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी होप्स के नाम से होप्स एक एब्रीबियशन है हेल्प ऑफ पेशेंग्जेंसी बाई स्टूडेंट्स तो हमने उसकी एक बुनियाद रखी और मेयर नाइन्टी सिक्स थाउजेंड के बजट से पहले साल हमने पेशेंट्स में जो डिजर्विंग थे उनमें मेडिसन्स इन पेशेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की। अलहमदल्लास 1996 से आज 25 साल गुजर चुके और इस 25-26 साल के अरसे में हम अब अलहमदिल्ला तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपये सालाना की मेडिसिन मरीजों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमने मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर अब शहीद में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजीज़ में कराची मेडिकल कॉलेज के डेंटल हॉस्पिटल में नो प्रॉफिट फार्मेसीज खोल रखी हैं एक हमारे पास लेबॉर्ट्री सर्विसेज हैं जो अगेन वेरी लो प्रॉफिट है और वाट एवर प्रॉफिट वी आर मेकिंग बेसिकली इट गोज़ बैक इन टू दी फंडस और जो कि पेशेंट्स को इन पेशेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट डेढ़ कर करोड़ रुपए करोड़ रुपए की मेडिसन्स फ्री टेस्ट एंड ऑल द सर्विसेज हमने पेशेंट्स को प्रोवाइड किए हैं बातचीत हॉस्पिटल में एंड आई थिंक आई एम श्योर के आई मीन उसके मेन हीरोज जो हैं वो के एम डी सी के स्टूडेंट्स हैं लेकिन अगेन चूंकि मैं उसके बानियों में से हूँ उसके शुरू करने वालों में से हूँ तो आई फील वेरी प्राउड बीन पार्ट ऑफ दैट माशाला मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब इज़ बीग वेरी हम्बल ही हैज़ मोर देन थ्री डेकेड्स ऑफ सर्विसज एट अब्बासी शहीद हॉस्पिटल एंड स्टिल वो इंसिस करते हैं इज़ नॉट द राइट पर्सन टू आस्क ये इनकी हम्बल हम्बलनेस का एक एग्जाम्पल है सर नाउ एज आई मैंशन मोर देन थ्री डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस अब आपकी ज़िंदगी में वॉट इज़ इट दैट यू हैव येट टू अचीव और यू आर स्ट्राइविंग फॉर अगला मकाम आप किसी का वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले और बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी आई आई थिंक आप जितने भी जितना कुछ भी अचीव कर लेते हैं ना आई थिंक देर इज नो स्काई इज़ द लिमिट देर इज नो एंड टू यू वांट आई थिंक एट एक ख्वाहिश कभी हमेशा रही है कि कोई अच्छी मेडिसिन की किताब लिख सको Uh, जो कि स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल मैंने लोकल किताबें मैंने देखी हैं uh, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ओरिजिनल वर्क हो जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट की जा सकें अनफॉर्चुनेटली मसरूफियात इतनी ज़्यादा हैं कि कई दफ़ा इरादा किया है शुरू भी किया है लोगों ने बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी की उसमें शुरुआत के अंदर लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पूरे कर पाया इसके अलावा बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहन में हैं दुआ रहती है अल्लाह ताला से कि जो है ना कुछ कम्युनिटी के लिए अच्छी सर्विसेज करने के लिए कुछ अच्छे मौके फराम हो जाए आ, लेकिन मैंने कहा ना कि आदमी के दिल में तो बहुत सारी वो चीज़ें होती हैं अल्लाह ताला वतन कितनी इस्तात देता है कितनी मोहलत देता है कि आदमी उसको कितना अचीव कर पाए सर दो सवाल आखिर के आपसे पूछना चाहूँगा एक तो कोई ऐसा मौका है आपके प्रोफेशनल जिंदगी में ऑफकोर्स हमने हमेशा एक डॉक्टर की इमेज देखी है स्माइलिंग बट स्टर्न इमोशनलेशस हम अक्सर ये इमेज जाता है कि देव उन्होंने सब देखा हुआ है कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो हमारे डॉक्टर्स को शॉक करे या फिर कोई उनका इमोशनल रिस्पॉन्स हो लेकिन हम सबको पता है एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस और कोई ऐसा इंस्टेंस आपके प्रोफेशनल करियर में जिसने आपकी आंखें नम कर दी नहीं बहुत सारे हैं देखिए मैंने आपसे कहा कि इंसान हर वक्त सीखता है मैं जब अबासी शहीद में मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त टी का एक क्लिनिक मैंने शुरू किया अभी मैंने बासी में प्रॉपर अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ था उससे पहले ही मैंने चूंकि सोशल वर्क करने का शौक भी था तो मुझे मुझसे कहा गया कि जी आप ज्वाइन कर लें और फिर जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो रेगुलराइज हो जाएगा फिर, फिर वक्त मेरा भी चूंकि अब्बासी से पहले ताल्लुक भी रहा था तो मेरे भी एक उनत भी थी मैं चाहता भी था अब्बासी को सर्व करना तो मैंने उस जमाने में ऑनरेरी कंसल्टेंट के तौर पर वहाँ पर ज्वाइन कर लिया जब ज्वाइन किया तो एक टी का क्लिनिक मैंने शुरू किया और ये उस जमाने की बात है जब अभी डॉट्स जो है इंटरनेशनली रिकगनाइज नहीं थी और ये हमारी अपनी एक इनोवेशन थी आ, उसका भी जिक्र करता हूँ मैं अभी आपको लेकिन ये कि उस हमने अपना एक डॉट्स का सिस्टम बनाया हुआ था और अभी इस वक्त तक डॉट्स इंटरनेशनली एक इस्टबलिश तरीका इलाज नहीं था आ, लेकिन तो मैंने वो करता यह था कि चूँकि अब बासी में दवाएँ नहीं मिलती थी तो मैं अपने जकवा़त से और अपने दोस्तों से कुछ जकवात जमा करके टीबी की दवाएं खरीद परचेज करता था और पेशेंट्स को वीकली की मेडिसन्स दिया करता था और उनसे ये एक्सपेक्ट करता था कि वो वापस आएंगे तो खाली पत्ते दवा के लेके आएंगे तो मैं उनको अगले हफ्ते की दवा प्रोवाइड कर देता था और वो अक्सर क्लिनिक में बैठा हुआ ओ पी में बैठा हुआ अक्सर कैंची से ले वो काट रहे होते थे गोलियाँ गिन गिन के ये सात हैं ये छः हैं ये चार हैं ये, ये खानी है और ये एक डॉट्स का तरीका था जैसे मैंने कहा कि उस जमाने में अभी तक डॉट्स की इफ़ादियत इतनी वो भी उजागर भी नहीं हुई थी तो ये वो ज़माना था जब कराची के हालात कुछ बहुत ख़राब थे नाइन्टी सिक्स नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स की बात है नाइन्टी फाइव की बात तो है आए दिन स्ट्राइकस हुआ करती थी और अक्सर बेशतर जो है बंद होते थे आ, तो मैं एक दिन क्लिनिक में बैठा हुआ था तो एक पेशेंट ने फॉलोअपे आया तो हमारे पास कार्ड होता था एक रिकॉर्ड का तो उसमें जो है हम देखते थे कि पेशेंट रेगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कार्ड जब देखा तो देखा कि एक वीक मिस किया था पेशेंट ने तो बच्ची का इलाज कर रहा तो बच्ची का बाप था तो मैंने बच्ची के बाप को खासा डांटा आ, और उसको बहुत वो किया कि मैं, हमारा दिमाग ख़राब है कि हम आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं दवाएं जमा कर रहे होते हैं आपको दवा प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको एहसास नहीं है बच्ची की कोई बीमारी और मजीद ख़राब कर रहे हैं तो पहले तो वो बड़ी खामोशी से सुनता रहा और काफ़ी देर से तक वो करता रहा आ, मैं भी आ, मेरे ख्याल में कुछ रूटीन से ज़्यादा डांट मैंने उसको डांट दिया काफ़ी खामोश रहने के बाद वो मुझसे कहने लगा डॉक्टर साहब आपके लिए कहना बहुत आसान है आ, मेरे घर में दो दिन से चूल्हा नहीं जला है। मेरी प्रायोरिटी दवा नहीं है मैं पहले बच्चों के पेट की फिक्र करूँगा आप यकीन कह कि मैंने अपने आप को उस वक्त इतना छोटा सा फील किया और इतना अफसोस हुआ कि मैं बग़ैर कुछ सोचे समझे किसी के बारे में राय क्यों कायम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उस वक्त मुझे बहुत हार्ड भी हुआ खैर मैंने उससे माजरत भी कर ली आ, तो ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप अपने आप को आ, जब आप शर्मिंदा भी हो रहे होते हैं कभी आप खुशी से आपकी आंखों में आंसू होते हैं कभी तकलीफ से आंखों में आँसू होती तो आप सफरिंग को देखना मुश्किल काम है और एज अ डॉक्टर जो है ना आप इतनी सफरिंग देखते हैं उसके लिए बहुत हौसला चाहिए डेफिनेटली सर सर एक आखिरी सवाल जैसे आपने मैंशन भी किया आप का एक्सपीरियंस रहा आप यूके में भी आपने प्रैक्टिस की मेडिसिन सर ये आपने एक फ़ैसला किया वापस आने का सर मरीज़ तो हर जगह मरीज ही होते हैं सबको इलाज हमें करना है चाहे वो पाकिस्तानी हो या ब्रिटिश हो या कोई अफ्रीकन हो बट आपने एक फैसला किया आपने पाकिस्तान ही वापस आना और यहीं पर आके मेडिसिन प्रैक्टिस करनी और आपने जैसा मैंने जिक्र किया तीन दिहाय तीन दिहाइयों से ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस की है तो क्या वजवाह बनी पाकिस्तान में वापस आने की और यहीं पे रहने की पहले चंद साल जब मैं यूके में था तो मुझे क्लियर नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूँ मैं यूके में रहना चाहता हूँ नहीं रहना चाहता मैं भी हमेशा जहन में था कि पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं यूके में जब मैं था तो मैंने उसी ज़माने में अमेरिकन एग्ज़ाम भी पास कर लिया था और मैं अमेरिका में जॉब के लिए अप्लाई भी किया था और मैं मैच भी हो गया था लेकिन मैं उस ज़माने में छुट्टियों पर पाकिस्तान आया तो मैंने अपने सीनियर से जिनमें वरा साहब का जिक्र मैंने किया वोरा साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म प्लान क्या है तो मैंने कहा शायद मैं वापस पाकिस्तान में सेटल होना चाहूँगा तो उन्होंने कहा मेरा अगर ऐसा है तो मैं अमेरिका मत जाओ यूके में मेरी ट्रेनिंग पूरी करो और वापस पाकिस्तान आ जाना फिर यूके में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ अलहमद अल्लाह का बड़ा एहसान था मुझ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली मुझे ट्रेनिंग नंबर मिल गया ट्रेनिंग नंबर का मतलब होता है कि आप इन लाइन आ गए हैं कंसल्टेंट बनने के तो अगर मैं वहाँ पर कुछ काम करता रहता रहा और मैं नॉर्मल वहाँ पर आपको इजाज़त होती है चार साल परमिट फ्री ट्रेनिंग कहलाती है वो आप ओवरसीज ग्रेजुएट जाते हैं तो आपको होम ऑफिस चार साल परमिट फ्री ट्रेनिंग के लिए अलाउ करता है आई वॉज़ वेरी लकी कि मुझे मेरे कंसल्टेंट्स की रिकमेंडेशन पे एक्स्ट्रा दो साल परमिट फ्री ट्रेनिंग मिली और मैं जैसे मैंने बताया मेरे पास रॉयल कॉलेज का नंबर भी था तो मैं कंसल्टेंट बन जाता अगर मैं साल साल एक और रुकता इस दौरान मैं अब ये वो पीरियड था जिसमें मुझे सोचना था कि मुझे पाकिस्तान आना है कि नहीं आना तो दो वाक़ ऐसे थे जिनसे चेंजेस आई एक तो एक दफ़ा मैं अपने कज़न से डिस्कस कर रहा था इसकी मेरिट्स और डी मेरिट्स के क्या करना चाहिए तो उसकी एक बात मुझे बड़ी आ, अच्छी लगी उसने एक बड़ी आ, प्यारी बात मुझे समझाई उसने कहा कि आप वहाँ पे जो है ना सलीमुल्ला प्रॉब्ली हज़ारों में से एक होगा यानी हज़ारों की सलीम की तरह के लोग होंगे वहाँ पे और शायद उन, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि आप हैं या कोई और है उसकी जगह पर और आ, आ, उन उनको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन पाकिस्तान में शायद आप फ़र्क पैदा कर सकें आप जैसे ट्रेन लोग कम होंगे और शायद काफ़ी वो होगा कि अगर पाकिस्तान में सेव करोगे तो बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है एक तो इस चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया था और दूसरी फिर आने की जो एक्चुअल वजह बनी वो मेरी वालद की बीमारी थी मेरी वाले को अल्लाह बखश्शे वो बीमार हुई उस जमाने में मेरे दोनों कंसल्टेंट्स किसी कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे और बावजूद मेरी ख्वाहिश कि मैं पाकिस्तान उनको देखने के लिए आ नहीं सका वो ठीक हो के जो है जब घर पहुंची तो ऐसे फ़ोन पे उनसे जब उस जमाने में मोबाइल नहीं थे तो ऐसे जब वो घर पहुंची तो घर पे उनसे बात हुई हुई तो कि उन उन्होंने कहा कि मैं समझ दूँ अब तुम पाकिस्तान नहीं आओगे मैंने कहा क्यों क्या हुआ कह नहीं कि मैं इतने बीमार हुई और तुम पाकिस्तान नहीं आए तो मेरे ख़्याल में अब तुम पाकिस्तान नहीं आओगे मैं जो है ने, मैंने मुड़ के बीवी साथ बैठी हुई थी मैंने उससे कहा कि मैं कल रिज़ाइन कर रहा हूँ वापस जा रहे हैं तो वो ये एक बड़ा रीज़न बना जाने वापस आने का अगले दिन जाके मैंने रिज़ाइन कर दिया और तीन माह मुझे अपना नोटिस पीरियड पूरा करना था तीन माह बाद में पाकिस्तान आ गया अल्लाह का बड़ा एहसान है अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान आके मुझे बहुत इज्जत बहुत मोहब्बत और बहुत जो है शहरत भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी कि उसके बाद तो कभी तस्वर भी नहीं किया कहीं और जाके काम करें तो आई थिंक मैं अपनी ज़िंदगी से मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का जितना भी एहसान मंद हूँ वो कम है और आई डोंट थिंक कि मैं कभी भी रिगरेट करता हूँ इस बात को मैंने वेस्ट में क्यों काम नहीं किया सर जाने से पहले कुछ अल्फाज आपके फार्मो के हवाले से फार्मिंग आई थिंक एक uh, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है इस हवाले से कि एक जो फार्मा कल्चर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन uh, हो चुका था और बहुत ज़्यादा आई थिंक फार्मा इंडस्ट्री को ख़राब भी कर रहा था फार्मिंग Farm, Uh, मेरा ख्याल में पाइनियर है उस कल्चर को चेंज करने में फाहमी वो की दूसरी बड़ी खसूसियत मेरे नज़दीक ये है कि पेशेंट फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा uh, पेशेंट्स के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस फिर पेशेंट अवेयरनेस के लिए बहुत एफर्ट्स हैं uh, दोस्त है जो एक और अच्छी चीज़ मुझे लगती है मैं ख़ुद लिटरेचर का बहुत शौकीन हूँ और फाहमी वो बहुत इल्म दोस्त है वक्तन वक्तन वो जो है अदब को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम भी करते हैं और बाकी एफर्ट्स भी किताब छापना आ, तमाम चीज़ें आई थिंक और एक अच्छी हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन uh, जो के कम्युनिटी ओरिएंटेड हो आई थिंक वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट डॉक्टर दिस इज इट थैंक यू सो मच आपके वक्त का और उससे ज़्यादा बहुत बहुत शुक्रिया आपके सर्विसेज का पाकिस्तान के लिए बिकॉज डेफिनेटली मेरे लिए एक एजाज़ है कि मैं मुल्क की जिसने मुझे इतना कुछ दिया उसकी कुछ खिदमत कर सकूँ तो ये हमारे माशरे के लिए भी एजाज़ है कि प्रोफेसर सलीमुल्ला जैसे शख्सियत हम में है सो थैंक यू सो मच सर आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस एपिसोड को देखने के लिए इस तरह के मजीद एपिसोड्स के लिए आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोज़ भी हमारे आते रहेंगे थैंक यू